ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जावेद इकबाल मंसूरी ने कहा कि मुस्लिम आबादी में सबसे बड़ी आबादी मंसूरी बिरादरी की है, लेकिन आज तक बिहार में उन्हें किसी प्रकार का शासन सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिला। मंसूरी के नाम पर दूसरी कम आबादी वाले पसमानदा नेता हमेशा से मंसूरियों को दबाकर सत्ता में भागीदारी पाते रहते हैं, लेकिन अब बिहार में मंसूरी समाज जाग गया है। बिहार प्रदेश अध्यक्ष पप्पू मंसूरी के बनने के बाद बिहार में संगठन के काम में तेजी आई है और सारा मंसूरी समाज अपने हक के लिए जमीयतुल मंसूर के बैनर तले इकट्ठा हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद इकबाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मंसूरी समाज के 3 मंत्री बन चुके हैं, कई विधायक भी बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल में जमीयतुल मंसूर के राष्ट्रीय महामंत्री मोइन उद्दीन शम्स वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं। इसी तरह दिल्ली प्रदेश में जमीयतुल मंसूर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकिर मंसूरी को केजरीवाल सरकार में अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाकर मंसूरी समाज को सम्मानित किया है। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष पप्पू मंसूरी, अजीम मंसूरी, प्रदेश महासचिव समीम मंसूरी, जिला अध्यक्ष मधुबनी समीम मंसूरी, पटना जिला अध्यक्ष सलीम मंसूरी, जमशेद मंसूरी, जिला अध्यक्ष जहानाबाद पकीम मंसूरी, जौहरी आदि कई कार्यकर्ता मौजूद थे। उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। उसके साथ साथ जो जिस तरह से सारी सहूलतें बुनकर समाज को मिल रही है, सारी भाइयों को उनको जो हिस्सेदारी मिलती है, मिल रही है इस वक्त, मैं आपको मार्फत कहना चाहता हूँ कि उनकी हिस्सेदारी में किसी तरह की कटौती ना हो, बल्कि और बढ़ा दी जाए उनकी हिस्सेदारी। मगर बुनकर कमीशन की तर्ज पर बुनकर कमीशन भी बनना चाहिए, जिस तरीके से, क्योंकि हमारा उनका पेशा एक है, रुई से जो रुई होती है उसको हमारा मुख्य पेशा है, उस रुई को ढूंढ कर साफ करना, और साफ करके जब हम आगे बढ़ाते हैं तब अंसारी भाई उसको धागा बनाते हैं। हमारा देहात में तोड़ा हुआ नाम है दुनिया, उनका गांव में देहातों में तोड़ा हुआ नाम है जुल्हा। हम रुई को साफ करते हैं, धागे के लायक बनाते हैं, और उसके बाद उनको बढ़ाते हैं, फिर वो धागा बनाने का काम करते हैं, फिर उसके बाद जो आज आप देख रहे हैं सारे साथी पहने हुए हैं, फिर वो इस शक्ल में आता है। तो हमने शुरुआत करी उस चीज काम की, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हमसे आगे वालों को मिल रहा है, तो आगे वालों को हिस्सेदारी मिले, उसमें मुझे इतराज नहीं। मगर बुनकर कमीशन, बुनकर आयोग की तर्ज पर बिहार के अंदर आपके माध्यम से मेरी मांग है कि एक बुनकर कमीशन भी बनना चाहिए, ताकि मंसूरी जमात के लोगों को बैंक से लोन लें, सब्सिडी मिले, बिजली में सब्सिडी मिले, रोजगार के अवसर मिले, और जिससे मंसूरी समाज के लोग जब कामकाज में आगे आएंगे, रोजगार में आगे आएंगे, तो उनको हक हकूक हिस्सेदारी मिलेगी, सामाजिक स्तर पर उनका उत्थान होगा। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अब हम लोगों ने खास तौर से मुसलमानों का जो सबसे बड़ा हिस्सा है मंसूरी समाज, अब हम लोगों ने हराने जिताने का खेल बंद कर दिया। अब हम लोग पहलवान नहीं ढूंढेंगे कि कौन पहलवान ऐसा है जो बीजेपी को हरा दे। हमारी अन्य समाज के मुकाबले हमारी कोई डिमांड ही नहीं थी पिछले लगभग 40 सालों से। हम चुनाव में सिर्फ उस कैंडिडेट को देखते थे कि जो बीजेपी को हरा दे, उसी वोट देते थे, वो उसके बाद में हमको हमारे हक और हकूक हिस्सेदारी नहीं देता, क्योंकि वो समझता था कि मंसूरी समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज की मजबूरी बन गई है कि वो बीजेपी को हराने के नाम पर वोट देगा। इसलिए हमने अपने समाज की, अपने जमात के लोगों से ये अपील की है कि आप हराने जिताने का खेल बंद करें। अब हम किसी को हराए जिताएंगे नहीं, जो हमको हिस्सेदारी देगा, जो हमारे साथ इंसाफ करेगा, जो हमारी आबादी के हिसाब से, डेमोक्रेसी में एक सिस्टम होता है, हम उस सिस्टम से नहीं हट रहे, हम जमहूरी निज़ाम के लोकतंत्र का जो सिस्टम है उससे नहीं हट रहे। हमारी जितनी आबादी है उतनी हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा मुख्य दलों के जो मेन जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं या पार्टी के नेशनल लीडर हैं, जो अपने अपने दलों की अगुवाई कर रहे हैं, वो हमारे समाज को हिस्सेदारी दें। उसके साथ साथ मैं ये भी मान रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, कि नोटिफिकेशन हो गया, हो सकता है आपने अपने दलों के सारे कैंडिडेट को अंडर हैंड इशारा कर दिया, ठीक, उसमें आप कटौती मत कीजिए, आप हमसे बात कीजिए,
हमारे समाज का वोट लीजिए और चुनाव में जीतिए, मुख्यमंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर किए हुए वादे को दोबारा निभाइए, ये बात मैं आपके माध्यम से पहुंचाता हूं, उनके पास पहुंचना चाहिए, धोखा ना होना चाहिए। इसमें आप लोगों की भी, पत्रकार बंधुओं की भी बराबर से जिम्मेदारी होगी कि इस बात को पहुँचाएँ और इस समाज के लोगों की हिस्सेदारी दें। मंसूरी बिरादरी से उम्मीदवार भी चाहते हैं आप लोग? उम्मीदवार चाहते हैं, हमारे 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं और जो कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो पार्टियां उनको देख लें, अगर वो बेहतर है तो उनको लड़ा दें, और अगर उनको नहीं लाना चाहते तो मेरे पास एक प्रस्ताव, यदि मेरा एक सुझाव हो कि वो जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, चाहे रजत हो या और जो भी दल हो, कांग्रेस हो, जो दल हो, वो अपनी ही पार्टी के सीनियर हों, लायल हों, उनके वफादार हों, उनके अपने हों और मंसूरी हों, अगर वो अपने दल के भी मंसूरी को लड़वा देते हैं तो मैं और मेरा पूरा समाज उनके मंसूरी को, अपने मंसूरी को लड़वाते हैं तो मैं अपनी हिस्सेदारी मानूंगा और उस दल को मैं ईमानदारी से मदद करूँगा। NDA अगर देता है मंसूरी बिरादरी के लोगों को टिकट तो क्या आप जाएंगे उसके साथ? NDA अगर देता है तो इस पर हम अपनी स्टेट कमेटी के साथ बैठ के हम मशवरा करते हैं, अगर वो दावत देते हैं, पहल करते हैं, तो ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, ये महामंत्री, तमाम मीडिया, तमाम जिम्मेदार साथी बैठे हैं, इनसे मशवरा करके इसके भी बात करते हैं। जी बिहार में मुस्लिम आबादी का 60% हमारा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है बिहार। आज पब्लिक मीटिंग कराता था और वो मीटिंग मंसूरी समाज के लोगों के साथ होती है। DM पटना ने मीटिंग का नोटिफिकेशन हो जाने की वजह से प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, तो मंसूरी समाज के लोगों को अपनी बात को पहुंचाने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है कि आपके माध्यम से समाज में अपनी बात को पहुँचे। पिछले 70 सालों से मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मंसूरी बिहार के अंदर, और हमको शासन प्रशासन में हिस्सेदारी के नाम पर कुछ नहीं। हम आपके माध्यम से राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय नेताओं तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे 243 सीटें बिहार विधानसभा की हैं, ज़्यादातर राजनीतिक दल 220, 210, 230 हिंदू समाज को दे देते हैं, ठीक है, वो 30 सीटें अगर या 25 सीटें हम मुस्लिम समाज को देते हैं तो दोनों को टिकट बांटने का तरीका एक होना चाहिए। जब आप 243 सीटों में मान लिया 220 आप मुस्लिम हिंदू समाज को दे रहे हैं तो आप उसमें ये देखते हैं कि कितने ब्राह्मण, कितने क्षत्रिय, कितने वैश्य, बैकवर्ड में कितने यादव, कितने कुर्मी, कितने कुशवाहा, कितने मिशाद, कितने राजभर, कितने चौहान, SC में आप देखते हैं कितने चमार, कितने पासी, कितने धोबी, कितने घटी। तो उसी तरीके से अगर आप 25 ही टिकट मुसलमानों को टोकर देते हैं तो मुसलमानों में भी वही चश्मा लगाना पड़ेगा जो हिंदू समाज में लगता है। इधर भी आपको देखना होगा कि 25 में कितने हम सैयद साहब को दे रहे हैं, कितने खान साहब को दे रहे हैं, कितने अंसारी को दे रहे हैं, कितने हम राइंदर आदमी को दे रहे हैं, कितना कुरैशी को दे रहे हैं और कितना मंसूरी को दे रहे हैं। तो आपके माध्यम से हमारी ये मांग है कि मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा हिस्सा होने के नाते मंसूरियों को भी राजनीतिक हिस्सेदारी मिलना चाहिए, और टिकट अगर जिस दल को हमारा वोट और सपोर्ट, हम लोग वोट और सपोर्ट दोनों करेंगे, वोट भी देंगे सपोर्ट भी करेंगे, नोटिफिकेशन के हो चुका है, वो हिस्सेदारी अगर दें तो अच्छी बात होगी। तो उसके साथ साथ हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हमारे आसपास बैठे हुए लोगों को टिकट दे दें, टिकट वो अपने ही दल के लोगों को दें, जो मंसूरी उनके दल में है वो उसको टिकट दें, वो मंसूरी को टिकट देंगे, मगर अलिया जमीत मंसूर उनके मंसूरी को दिए हुए टिकट की अपनी हिस्सेदारी मांगेगी और उनको वोट और सपोर्ट करने का काम करेगी। किसी पार्टी से असल सभी पार्टियों से ही आप उम्मीद कर रहे हैं? सभी पार्टियों से उम्मीद, और उसके साथ साथ जिस तरीके से हम लोगों का पेशा जो है रुई ढूंढने का है, हमें अध्ययन करने से क्लेम कर रहे हैं, हमारा काम है रुई को ढूंढ के रुई को रिफाइन करना, हम रुई को ढूंढ के आगे बढ़ा देते हैं, जब आगे बढ़ जाती है रुई तो फिर कपास बनाता है हमारा अंसारी भाई, धागा बनाता है उस कपास से, जब अंसारी भाई धागा बनाता है तो वो धागा जब कपड़े की शक्ल में आता है, जो आज आप सब सामने बैठे हम लोग बैठे इस शक्ल में बनता है, तो अंसारी समाज के लोगों को
वोटर आयोग के नाम पे बहुत सहूलतें मिलती हैं। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि उनकी सहूलतों में कमी नहीं होनी चाहिए, उनको और सहूलत मिले। मगर जैसे भूकर आयोग है उसी तरह उसी तर्ज पर भूकर आयोग बनना चाहिए ताकि हमारे भी समाज के लोगों को रोजगार मिले, बैंक से लोन मिले, सब्सिडी मिले, बिजली में सब्सिडी मिले और तमाम उनको रोजगार के अवसर ना मिले। तो भूकर आयोग के साथ साथ भूकर आयोग भी बिहार में जो भी सरकार बने उनसे हमारी मांग है वो भूकर आयोग बना हो चुका है क्योंकि डीएम साहब ने हमारे मिशन से अब परमिशन कैंसिल कर दिया है। इसलिए आपके माध्यम से अपनी जमात के अपने समाज के लोगों पर बात करवाना चाहते हैं। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मंसूरी समाज है और सबसे बड़ा हिस्सा होने के बावजूद पिछले 70 सालों से मंसूरी समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही न शासन में। हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और उसके साथ साथ हम आपके माध्यम से उन राष्ट्रीय नेताओं को बताना चाहते हैं कि जैसे बिहार में टोटल सीटें कितनी 372 सीटें जैसे बिहार में टोटल विधानसभा की हैं 243 कंफर्म कर लीजिए। शुरू से कीजिएगा निकाल आपके माध्यम से हम अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। बिहार के अंदर मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मंसूरी समाज है। हम जितनी भी मुसलमानों की आबादी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा हम हैं, मगर पिछले 70 सालों में आज तक शासन प्रशासन ने हमको आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दी क्योंकि हमको मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ अन्य राज्यों में हम लोगों ने जमीकुल मंसूर नाम से पूरे भारत में एक राज्य गैर राजनीतिक संगठन बना रखा है, सामाजिक संगठन ऑल इंडिया जमीकुल मंसूर एसोसिएशन के नाम से। और जमीकुल मंसूर का लगभग 22 स्टेट में संगठन बना हुआ और सभी स्टेटों में हम लोग अपने समाज की हिस्सेदारी के लिए जो मुख्य राजनीतिक दल हैं उनसे अपनी बात रखते हैं, ये बताने की कोशिश करते हैं कि समाज का सबसे बड़ा हिस्सा हम हैं, आप हमको हिस्सेदारी। तो ये कोशिश चल रही है हमारी। उसके साथ साथ अन्य राज्यों में हमारे सामाजिक संगठन के दबाव में उस स्टेट की सरकारों ने हमको हिस्सेदारी देना शुरू भी कर दी। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन जमीकुल मंसूर जिंदाबाद जिंदाबाद ऑल इंडिया जमीकुल मंसूर जिंदाबाद जिंदाबाद साहेब अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती मंसूर जिंदाबाद जिंदाबाद अनीस मंसूर जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जॉइंट हैंड कर लीजिए जिससे सौ कहां आपको कैंडिडेट एक साथ जरा आप लग आपके साथ वो लोग भी आ जाए जो भी हाथ ऊपर होना चाहते